नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीइंग हेल्दी यूट्यूब चैनल में। मैं साथ रोहित। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप टीबी के पेशेंट हैं और अगर आप दवा ले रहे हैं लेकिन अगर दवा आप पे काम नहीं कर रही, यानी कि जो आपके लक्षण है टीबी से संबंधित वो अगर कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ते चले जा रहे, वो भी तब जब आप दवा खा चुके हैं या दवा रेगुलर बेसिस में खाते हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, किस कारण ऐसा होता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो रीज़न है वो है पेशेंट की लापरवाही। देखिए, बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं, जैसे कि पता होगा टीबी की दवा बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो कुछ पेशेंट में ये दवा जो है बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम करती है, साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लोगों को उल्टियाँ होती है, पेट में दर्द होता है, एसिडिटी होता है। तो इसके चलते बहुत से पेशेंट क्या करते हैं, दवा टाइम पर नहीं लेते हैं या जानबूझ के दवा खाना छोड़ देते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा स्टार्टिंग के 2 महीने लाल वाली दवा चलती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, 56 दिन पल्मोनरी टीबी यानी कि जो लंग्स की टीबी होती है उसमें 56 दिन लाल वाली दवा चलती है, जो 4 तरह के ड्रग से बनती है, आइजोनाइजिड, रिमपामसिन, पायराजिनामाइड और इथंबटोल हाइड्रोक्लोराइड। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और 70% जो टीबी का बैक्टीरिया जो ख़त्म होता है वो लाल वाली दवा से होता है। तो अगर इस तरह की जो लाल वाली दवा होती है स्टार्टिंग 56 दिन जो चलती है, इसको खाने में अगर आप लापरवाही करोगे, रोज़ नहीं खाओगे, जानबूझ के छोड़ोगे, तो इससे क्या होता है, जो ट्रीटमेंट है वो बीच बीच में रुक जाता है, जिसके चलते मरीज़ को ऐसा लगता है कि उसको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मेन चीज़ यही है, अगर आप दवा टाइम पे नहीं खाओगे या रेगुलर बेसिस में दवा नहीं खाओगे तो दवा ऑब्वियस सी बात है काम नहीं करेगी, और इसी के चलते बहुत से मरीज़ जो है कंप्लेन करते हैं कि उनको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ऐसे में आप कुछ मत करो, जो आपको दवा दी जा रही है इसको रेगुलर बेसिस में खाओ। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप परिवार में किसी अपने परिवार में किसी इंसान को कह सकते हो, वो आपको याद दिला सकता है, या आप अलार्म लगा सकते हो कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम में खाना है। तो जो भी टाइम आप सेट करोगे, जो टाइम पे आपने पहले दिन से दवा खा रहे हो उस टाइम पे अगर आप दवा खाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको फ़ायदा होगा, और जो भी आपके लक्षण टीबी से जुड़े हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, दूसरा रीज़न ये है कि बहुत से टीबी के पेशेंट हैं वह बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं। देखिए, जो टीबी की दवा होती है, क्योंकि जो टीबी का बैक्टीरिया होता है बहुत ही धीमे धीमे मरता है, मिनिमम 6 महीने दवा खाने के बाद आप पूरी तरह से ठीक होते हैं, तो 10-15 दिन में इतनी जल्दी दवा असर नहीं करती। बहुत से पेशेंट अक्सर कमेंट करने लगते हैं, हमने 10 दिन खा लिया, 15 दिन खा लिया, हमको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो टीबी की जो दवा है मिनिमम 40 से 60 दिन में असर दिखाती है, मिनिमम 2 महीने आपको खाना है। उससे पहले आपको कुछ नहीं बोलना, बस आप आँख बंद करके जो भी आपकी दवा आपको दी गई है उसको जिस तरह आप खा रहे हो, जैसे आपके डॉक्टर ने बताया, आप जो है 60 डेज तक आप खाओ, उसके बाद अगर आपको फ़ायदा नहीं होता उसके बाद जो है आप कंप्लेन करो, लेकिन 60 दिन से पहले आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपको जो है फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बीमारी जो होती थोड़ी सी, इसका जो इलाज होता थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत धीमे धीमे मरता है। ये नॉर्मल खांसी जुकाम नहीं है कि आज आपने दवा खाई कल ही से जो है आपका बुखार भाग जाएगा, धीरे धीरे करके ये बीमारी आपकी बॉडी में आती है और धीरे धीरे करके जाती है। तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, 60 डेज से पहले आपको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपके लक्षण जाएंगे, जैसे 40 से 60 दिन हो जाएंगे उसके बाद आप खुद ही महसूस करोगे जो भी आपके लक्षण हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, बुखार अगर है तो वो भी धीमे धीमे कम होगा, खांसी पूरी तरह से चले जाएगी। तो ये 40 से 60 दिन के बीच में होता है, तब तक आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपको दवाई दी गई है इसे आप रेगुलर बेसिस में खाएं और कोई भी आप मिस ना करें। देखिए, इसके बाद जो तीसरा रीज़न सबसे कॉमन ये है कि खाने में कुछ लोग मरेज नहीं करते हैं। जब आपकी बीमारी डायग्नोस होगी, कुछ डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि ये चीज़ आपको खानी है, ये चीज़ आपको नहीं खानी है। जैसे कि लंग्स टीबी की अगर बात की जाए, पल्मोनरी की टीबी की बात की जाए, तो उसमें बहुत से पेशेंट को खांसी आती, तो खांसी में ठंडी चीज़ें मना की जाती, जैसे दही चावल हो गया, तो इसके बावजूद बहुत से पेशेंट जो है चावल खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, तो इसके चलते भी जो आपको आराम मिलता है वो नहीं मिलने को मिलता, क्योंकि इससे खांसी जो है आपकी बिगड़ जाती है। तो अगर आप इस तरह से लापरवाही करोगे, खाने में परहेज नहीं करोगे, दवा भी खा रहे हो, उल्टी चीज़ें भी खा रहे हो, तो इस चक्कर में भी आपकी जो लक्षण है खासतौर पे खांसी जो है बिगड़ जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब तक आपकी दवा चल रही तब तक जो आपको बताया गया आपको वही खाना है, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसके लिए आप मेरा चैनल देखिए, आपको वीडियोस मिल जाएगी। फिलहाल आप फूड रिस्ट्रिक्शन पे आप स्ट्रिक्ट रखो, जो आपको बताया गया इन्हीं चीज़ को आप खाओ, जो आपको मना किया गया उस चीज़ को नहीं खाओ। तो इन चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे आप खुद ही महसूस करोगे कि जो टीबी की दवा है ये धीरे धीरे काम करना शुरू कर देती है।
इसके बाद चौथा रीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि आपको पता होगा टीबी की जो बीमारी होती है दो तरह की होती है, एक नॉर्मल होती है, एक एमडीआर होती है। एमडीआर के केस में जो नॉर्मल दवा होती है वो टीबी के बैक्टीरिया में काम नहीं करती, क्योंकि जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो रेजिस्टेंट हासिल कर लेता है नॉर्मल दवाओं पर। तो ऐसे में जो नॉर्मल दवा होती है टीबी के बैक्टीरिया पर काम नहीं करती, तो ऐसे में दूसरी दवाइयाँ चलती है और इलाज भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि कई तरह की दवाई पेशेंट पर जो है दी जाती हैं ट्रायल के बेसिस में कि कौन सी दवा पेशेंट पर काम कर, उसके बेसिस में उस दवा को कंटिन्यू किया जाता है जब तक कि वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, क्योंकि देखिए सरकारी में आज भी डीएसटी 56 दिन बाद ही होता है, 56 दिन बाद लाल वाली दवा खाने के बाद आपको पता चलता है कि आपकी जो टीबी है वो नॉर्मल है या एमडीआर है। प्राइवेट में जीन एक्सपर्ट अगर आप कराओगे तो पहले दिन ही आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल है या आपको एमडीआर है, लेकिन सरकारी में वही 56 दिन बाद ही आपको पता चलेगा। सरकारी वैसी स्लो प्रोसेस हर जगह रहता है। तो कभी कभार ये होता है किसी पेशेंट को एमडीआर होता है, एमडीआर टीबी होता है, लेकिन वो दवा कौन सी खाता है, नॉर्मल दवा खाता है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको बीमारी कोई दूसरी है और दवा आप किसी दूसरी बीमारी की खा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो नॉर्मल दवा है वो काम नहीं करेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 56 दिन बाद ही सरकारी में ये चीज़ डायग्नोस होता है कि आपको नॉर्मल है या एमडीआर है। तो उसके बाद जब डायग्नोस हो जाएगा, अगर एमडीआर निकल आती है तो उसके बाद दवा चेंज हो जाती है। और यही एक रीज़न है क्यों कुछ पेशेंट में नॉर्मल दवा नहीं काम करती, क्योंकि उनको एमडीआर होता है और वो दवा खा रहे हैं नॉर्मल टीबी की, तो ऑब्वियस सी बात है उनके जो लक्षण हैं वो और बढ़ते चले जाते हैं और उनको फ़ायदा नहीं होता। तो ये कुछ रीज़न थे क्यों आपको टीबी की दवा जो है काम नहीं करती, या बहुत धीमे धीमे कर रही, या आपको एहसास ही नहीं हो रहा कि दवा काम नहीं कर रही। तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो जो मैंने इस वीडियो में बताया इन चीज़ पे आपको अमल करना है, फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करोगे तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, कोर्स टाइम पे पूरा हो जाएगा और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।